नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कच्चा अंडा खाने के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जिसको सभी लोग नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों हर खाद्य पदार्थ की तरह पकाया गया अंडा भी कुछ पोषण खो देता है। अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन डी, ओमेगा 3, बायोटिन, जिंक, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पोषक तत्व आपको मिलेंगे जो पकाए गए अंडे में कम हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कच्चे अंडे को डायरेक्ट नहीं खा सकते तो उसे किसी स्मूदी में मिक्स कर खा सकते हैं। कच्चे अंडे को फोड़ने से पहले उन्हें अच्छी प्रकार से साबुन के पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि उनको ठीक तरीके से धोने से इनके छिलकों पर जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो साफ हो जाएगा और वो दूर हो जाएगा, और जिससे कि संक्रमण का खतरा भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को कच्चा अंडा केवल इसलिए खाने में डर लगता है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया उन्हें कहीं बीमार ना कर दे। इसलिए दोस्तों हम आपको एक सीमा में रहकर ही कच्चा अंडा खाने की हिदायत देंगे, ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जाकर अंडा खाने की सलाह नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर आप एक लिमिट में कच्चा अंडा खाते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों पकाए हुए अंडे में मौजूदा फैट और प्रोटीन की रचना बदल जाती है। जब प्रोटीन आंच के संपर्क में आता है तब उससे एलर्जी पैदा होने की संभावना रहती है। वे लोग जिन्हें कुछ दिनों तक पके अंडे खाने के बजाय कच्चा अंडा खाना शुरू किया उनमें एलर्जी की बीमारी बिल्कुल गायब हो गई। तो ऐसा माना जा सकता है कि कच्चा अंडा एलर्जी के रिस्क को कम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यह विटामिन B12 और फोलेट का भंडार माना जाता है। जी हाँ, कच्चे अंडे में आपको जरूरी पोषक तत्व विटामिन और विटामिन B12 मिल सकता है। एक अंडे में 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। अंडे के कच्चे पीले भाग को खाने से एनीमिया की बीमारी दूर होती है तथा दिमाग भी आपका तेज बनता है। दोस्तों हमारे शरीर को फैट सोल्यूबल विटामिन की काफ़ी ज़रूरत होती है। विटामिन AD और K एक साथ मिलकर काम करते हैं। रिसर्च द्वारा बताया गया है कि विटामिन डी आपके कैंसर के रिस्क को आधा कर सकता है, तो इस लिहाज से भी कच्चा अंडा काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। यह इसमें मौजूद दो प्रकार के एमिनो एसिड होने की वजह से होता है। कच्चे अंडे उम्र बढ़ने की वजह से कमज़ोर हो रही मांसपेशियों को मजबूत कर देते हैं। दोस्तों एक अंडे में लगभग 6 ग्राम तक का प्रोटीन मौजूद होता है जो कि शरीर को पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए तथा नई कोशिका बनाने के लिए चाहिए होता है। एक अंडे की जर्दी में लगभग 66 ग्राम फास्फोरस और 22 mg कैल्शियम होता है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो इस लिहाज से भी कच्चा अंडा काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों क्या आप समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खराब होता है? जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत मुख्यतः कोशिकाओं और हार्मोन के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है। यह बाइल जूस का निर्माण करता है जिससे वसा के पाचन में मदद मिलती है। ऐसे में अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर कंट्रोल मात्रा में खाया जाए तो यह गुड कोलेस्ट्रॉल आपको बेनिफिट्स पहुंचाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अंडे की जर्दी में बायोटिन होता है। जी हाँ, बायोटिन बाल, त्वचा, नाखून को मजबूती प्रदान करता है और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और डिप्रेशन की बीमारी से बचाता है। यह काफ़ी कम मात्रा में शाकाहारी पदार्थों में पाया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे वो सारे अनमोल फ़ायदे जो कि एक कच्चा अंडा खाने से आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी जो होती है यहीं समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।